हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आरजीटेक्स पे। दोस्तों आज हम गेमिंग रिव्यू करेंगे नोकिया 5.1 प्लस का और देखेंगे इसका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है। इस फोन में जो आपको मीडियाटेक का हीलियो P60 ऑक्टाकोर प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है। साथ साथ यहां पर हम एक छोटा सा बैटरी ड्रेन टेस्ट और हीट टेस्ट करेंगे। बैटरी परसेंटेज की बात करें तो अभी यहां पर जो है 86% बैटरी है जैसे आप यहां पर देख पा रहे हैं और यहां पर 10:13 हो रहा है तो लगभग मैं जो है आधा घंटा पौने एक घंटा जो है गेम खेलने वाला हूं। उसके बाद जो है इसका बैटरी परसेंटेज चेक करेंगे कितना परसेंट डाउन हुआ है और यहां पर जो है एक टेम्परेचर को देख लेते हैं। तो यहां पर अभी रूम टेम्परेचर 30.6 डिग्री सेल्सियस और फोन के टेम्परेचर की बात करें तो फ्रंट में आपको 34 देखने को मिलता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर जो है आपको 34 ही देखने को मिलता है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। तो फ्रंट और बैक दोनों तरफ जो आपको लगभग 34 ही डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। तो गेम खेलने के बाद चेक करेंगे इसका टेम्परेचर जो है बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस फोन में जो है मैं सिर्फ और सिर्फ दो गेम खेलने वाला हूँ। पहला जो है एस्फॉल्ट 9, दूसरा जो है पबजी। यहाँ पर जो एस्फॉल्ट 9 है वो प्ले हो चुका है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और मैंने इससे पहले भी जो है एस्फॉल्ट 9 इस फोन में खेल चुका हूँ। यहाँ पर जो है काफी स्मूथ परफॉर्मेंस जो है देखने को मिलता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आप इस फोन में जो है एस्फॉल्ट 9 खेलते हैं हाई ग्राफिक्स में तो आपको जो है लैग और फ्रेम ड्रॉप जो है देखने को नहीं मिलेगा। काफी स्मूथली तरीके से जो है ये रन कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और मुझे जो है काफी मजा आ रहा है इस फोन में एस्फॉल्ट 9 खेलते हुए। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं काफी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर एस्फॉल्ट 9 प्ले हो जाता है। तो अगर आप इस फोन में जो है एस्फॉल्ट 9 को प्ले करते हैं तो आपको काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अब जो है बढ़ते हैं पबजी की तरफ और देखते हैं यहाँ पर जो पबजी है वो कैसा परफॉर्म कर लेता है। तो बढ़ते हैं पबजी की तरफ। तो फ्रेंड्स, अब जो आप ये गेम प्ले देख पा रहे हैं वह है पबजी मोबाइल और यहाँ पर मैं पबजी मोबाइल को जो है बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स में खेल रहा हूँ जो कि ये स्टार्ट करते टाइम ऑटोमेटिकली ले लेता है और यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ लग रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। मुझे जो है कोई भी लैग या फिर कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला। लगभग मैंने यहाँ पर 6 किल कर दिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और काफ़ी स्मूथली जो है यहाँ पर रन हो रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। गेम में जो है कोई भी इशू हम मुझे नहीं नज़र आ रहा है अगर आप इसके बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स जो कि ये ऑटोमेटिकली रहता है उसमें खेलते हैं। तो अब चलते हैं इसके ग्राफिक्स सेटिंग्स पे और यहाँ पर देखते हैं इसका जो ग्राफिक्स है वो कितना हाई जा सकता है। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ग्राफिक्स है इसका वो है बैलेंस और यहाँ पर फ्रेम रेट है मीडियम और यहाँ पर जो हाई जा सकता है फ्रेम रेट। तो यहाँ पर HD सिलेक्ट होता है कि नहीं ये देखते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है HD को भी सपोर्ट करता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और HD में जो है आप फ्रेम रेट को हाई पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है HD जो है ग्राफिक्स कर देता हूँ और फ्रेम रेट को हाई कर देता हूँ। अब जो है गेम को प्ले कर लेते हैं थोड़ी देर और देखते हैं यहाँ पर जो गेम प्ले है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है या नहीं। तो यहाँ पर जो है थोड़ी देर गेम को प्ले कर लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं गेम जो है बड़ी आराम से प्ले हो रहा है। गेम प्ले में जो है कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। बीच बीच में जो है हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल रहा है
क्योंकि यहाँ पर जो है हम HD ग्राफिक्स और फ्रेम रेट जो है हाई करके रखे हैं, इस वजह से यहाँ पर हल्का फुल्का जो है फ्रेम रेट देखने को मिल रहा है। अगर आप फ्रेम रेट को जो है लो कर देते हैं तो आपको जो है कोई भी लैग या फिर कोई भी फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, काफ़ी स्मूथली तरीके से परफॉर्म कर लेता है पबजी गेम, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया है। स्पेशली यहाँ पर जो है आपको हीलियो का जो P60 है वो काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर लेता है, तो डेफिनेटली जो है आप इस फ़ोन में बड़ी आराम से पबजी को प्ले कर पाएगा, आपको कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हमने गेम को जीत लिया है, अब यहाँ पर जो है टेम्परेचर को चेक कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर जो है कितना ज़्यादा हाई हुआ है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर सबसे पहले दिखाते हैं, तो रूम टेम्परेचर आप देख पा रहे होंगे 30 है, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था। और अब देखते हैं मोबाइल टेम्परेचर, तो फ्रंट की तरफ में जो है लगभग आपको 41 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 40 या फिर 41 कभी कभार जो है दिखा दे रहा है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर 39 है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और 38 दिखा रहा है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर भी जो है आपको लगभग 41 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल रहा है, कभी कभार जो है 41 हो रहा है और कभी 40 हो रहा है। और बीच की बात करें तो 39 है, नीचे जो है 38 है, तो फ़ोन जो है ज़्यादा हीट नहीं होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा, फ़ोन जो है उतना ज़्यादा हीट नहीं होता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बैटरी परसेंटेज की बात करें तो लगभग हमने गेम खेलना स्टार्ट किया था 10:15 या फिर 16 मिनट के आसपास, और बैटरी परसेंटेज लगभग जो है 82 था, शायद मैं भूल चुका हूँ, बल्कि यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, और अभी देख पा रहे होंगे 71% जो है इसका बैटरी है। तो बैटरी भी जो है ज़्यादा ड्रेन नहीं हुआ, 1 घंटे के अंदर में लगभग जो है 10-12% ड्रेन हुआ, जो कि मेरे हिसाब से सही है। यहाँ पर जो है आप इस फ़ोन में काफ़ी बढ़िया तरीके से पबजी को प्ले कर पाएगा, आपको कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ फ्रेंड लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर इस फ़ोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए RJ टेक्निकल्स के साथ।